नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते राजस्थान की खबर की तरफ। राजस्थान के भरतपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। दरअसल भाजपा द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही थी, लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जानकारी के मुताबिक भीड़ जुटाने के लिए डांसर का सहारा लिया गया और इस तरह परिवर्तन यात्रा में कुछ लोग दिख रहे हैं जहां डांस भी हो रहा है। और कहा जा रहा है कि शमसुल हसन द्वारा इस मंडली को बुलाया गया था, जिसने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डांस किया। शमसुल हसन जिला परिषद के सदस्य हैं। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी और इसमें कई बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और यहाँ पर डांसर को बुलाकर भीड़ जुटाने का ये शॉर्टकट अपनाया गया, जिसके बाद ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं डांसर है, डांस कर रही है, चारों तरफ भीड़ है, भाजपा के झंडे हैं, कार्यकर्ताओं के गले में भाजपा का पटका भी पड़ा है और कई लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी की टोपी भी लगाए हुए हैं और यहां पे मजे से ये डांस भी देख रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है, जिसके बाद इसकी काफी आलोचना भी हो रही है राजस्थान में। तो तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का ये एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भी जुटी हुई है इस डांस को देखने के लिए। हालांकि ये परिवर्तन यात्रा थी, लेकिन कुछ इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य ही परिवर्तन होता नजर आ रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ राजस्थान से संवाददाता विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, परिवर्तन यात्रा का जो मेन उद्देश्य था वो ही पूरा परिवर्तित तो हो गया है, तस्वीरें क्या बयां कर रही है, जानकारी चाहेंगे पूरी। जी सर, आपको बता दें राजस्थान के भरतपुर में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है, जिसमें आपको बता दें कि इस चार दिशाओं से निकल रही परिवर्तन यात्रा के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है, जिसके बड़े संकेत हैं। जिस तरह से पहली यात्रा त्रिनेन्द्र मंदिर से शुरू की गई और इसके पीछे पूरी राजस्थान की 43 विधानसभा सीटों को साधना तो मकसद ही है, साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे पर बने रहने के संकेत भी हैं। यात्रा की शुरुआत जेपी नड्डा ने करवाकर मैसेज दिया है कि संगठन सत्ता के ऊपर डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम से दूसरे यात्रा शुरू कर बीजेपी ने 52 विधानसभा सीटों को कवर करने के साथ साथ आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। जी विनीत, अगर बात करी जाए सरकार की, तो क्या राजस्थान में कांग्रेस का सिक्का ज्यादा चलता है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाती, जिसकी वजह से ये शॉर्टकट लिया गया है? जी आपको बता दें कि अगर बीजेपी अगर चाह बीजेपी जो कर रही है वो ज्यादातर क्या नाम है जो चुनाव के लिए जैसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए भजन संगीत वगैरह को इकट्ठा भजन संगीत करा रही है, उसके मकसद से उनको देखा जा रहा है कि अगर वोट हमारी तरफ हो जाए, उस तरह से ये काम कर रही है। जी विनीत, भजन कराए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भजन की तो नजर नहीं आ रही है। जी उसमें अगर आपको बता दें तो भजन भी कम है और दोनों साथ साथ हो रहे, रंगरलियां भी हो रही है, भजन भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको देखा जाए तो यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर बीजेपी द्वारा रंगरलिया के जो डांस वगैरह कराए जा रहे हैं उनसे ज्यादा अपनी और वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। जी विनीत, जब भी बात होती है महिलाओं के साथ अपराध की तो राजस्थान का नाम भी जरूर लेती है भारतीय जनता पार्टी की। पहले अपने राज्य को देखे कांग्रेस, उसके बाद हम पर आरोप लगाए, क्योंकि कई मुद्दे उठाते हुए नजर आती है कांग्रेस। और ऐसे में जब इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे, क्या विपक्ष की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? जी अभी तो नहीं, लेकिन अगर मैं बता दूं आपको कि जो बीजेपी है वो अपना वहां पर जो पिछली जो वर्ष गई हुई है उन पर कांग्रेस ने अपना दबदबा जमाया था और अब ये बीजेपी चाहती है कि हम राजस्थान में भी अपनी सरकार बड़ी भारी बहुमत से बनाए। जी विनीत, जो ये आयोजन हुआ है ये किसके द्वारा कराया गया है और किस क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है? जी आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा वहाँ पर डांस कराया गया था और इसमें जो भाजपा के पूर्व विधायक शमसुल हसन ने भगत सिंह चौराहे पर ये डांस का आयोजन कराया गया। इसमें पूर्व जो रहे हैं यात्रा में जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी वहां भाग लिया था। जी विनीत, क्या इससे पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आया या पहला मामला है? ये पहला मामला देखने को मिला है कि जहाँ पर डांस पार्टी द्वारा यहाँ पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया गया और उसके बाद में जैसे भीड़ इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर डांस की जो वहाँ डांस हो रहा था उसको बंद किया गया, जिससे कि जनता देख भी ले कि जनता के आगे ये ना आए कि बीजेपी ये चाह रही है कि हम डांस करा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ राजस्थान से संवाददाता विनीत जुड़े हुए थे। तो यह अजीबोगरीब खबर देखने को मिली है, जहां माना जाता है कि जहां कहीं भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है वहां पे भीड़ अपने आप पहुंच जाती है, बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन यात्रा के दौरान का ये मामला सामने आया है, जहां डांसर बुलाकर भीड़ जुटाई गई। करते अगली खबर की तरफ, राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इस बात पर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसकी पत्नी मां नहीं बन पाई थी। शादी के 20 साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करते हुए मौत को सामान्य बताकर अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली गई थी। पीहर पक्ष को बिना बताए अंतिम संस्कार करने शव को शमशान ले गया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरती और आखिरी वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, मामले की पूरी जानकारी चाहेंगे, कब की घटना बताई जा रही है और किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया? ये आपको बता दूं कि ये मामला राजस्थान के भीलवाड़ा में एक गांव मांडल पड़ता है, जहां पर एक पति द्वारा महिला को बच्चा न होने के कारण उसको मौत के घाट उतार दिया और सामान्य बताकर लड़की के माता पिता, जो कि अपने पियर के पक्ष है, उनको बिना बताए संस्कार करने की कोशिश की। अगर वहीं देखा जाए तो एक उनका भतीजा था, जिसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला पहला नहीं, इससे पहले भी दो मामले राजस्थान में 2 दिन के अंदर हुए हैं और जो तीसरा मामला आज देखने को मिला है। जी विनीत, जिस तरह से लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? आपको बता दूं कि इसमें सरकार की भी कमी देखने को मिल रही है और ज्यादातर अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन, जो पुलिस है वहाँ पर पुलिस की भी कमी महसूस होती दिख रही है। जिस तरह से पुलिस वहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद में उस घटना को देखती है और वीडियो वायरल न होने से पहले अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी 2 मामले हुए थे, उनमें भी वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस पहुंची थी और आज भी ये तीसरा मामला हुआ है, जिसमें पति द्वारा उसको मारपीट कर भेजा गया, मारपीट कर उसको संस्कार के लिए डाला गया, उसके बाद ही ये पुलिस पहुंची है। और अभी देखा जाए तो राजस्थान पुलिस अभी मुझे लग रहा है कि ढील अपनी टालम टाल कर रही है। जी विनीत, इस मामले में आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है या नहीं? जी, आरोपी को लिया गया है और मैं आपको बता दूं कि मंडल चौकी प्रभारी चिराग अली ने बताया कि आरजिया गांव पंचायत भीलो बस्ती में रहने वाली ममता, जो कि एक्सपायर हुई है, उनको बता दूं कि ये जो पति हैं उनके, प्रभु कंजर उनके पति थे, जो उन्होंने 15 साल पहले नाता ब्याह किया था उनके साथ, और शराबी पति जो आए दिन झगड़ा करता था 20 साल के बाद में, उसको लगातार वो प्रताड़ित करता रहा बच्चे के लिए, और बच्चे के न होने के कारण उसने ये कदम उठाया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ राजस्थान से संवाददाता विनीत जुड़े हुए थे। तो ये बड़ा मामला सामने आया राजस्थान से, जहां पहले बच्चा न होने पर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद पुलिस को बिना बताए और मामले को छुपाने की फिराक में बिना बताए शमशान ले गया शव को अंतिम संस्कार के लिए। राजस्थान के धौलपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कक्षा 9 की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस हादसे से परेशान किशोरी ने अपनी जान देते हुए आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक स्कूल से 2 युवक किशोरी को अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के 2 घंटे बाद ही नाबालिग ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वही इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, ये मामला काफी हैरान करने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? ये आपको बता दूं, शिखा नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी शुक्रवार को स्कूल गई थी, जिसमें जहां लंच के समय 11 बजे करीबन गांव के 2 युवक उसको घर वालों को बुलाने के लिए बहला फुसला कर घर वालों का बहाना देकर उसको वहां से ले गए। उसके बाद दोनों युवकों ने छात्रा के साथ शमशान जगह पर गैंगरेप किया। उसी दौरान नाबालिग के चाचा ताऊ ग्रामीण और वहां मौके पर पहुंचे, जहां दोनों युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ लिया, उसके दौरान उनसे मारपीट कर उसको भगा दिया। अगर देखा जाए तो आपको बता दूं कि परिजन के छात्र जो नाबालिग लड़की है उसको घर के अंदर लेके गए थे, लेकिन घर के अंदर जाने के 2 घंटे बाद ही लड़की ने अपना सुसाइड कर लिया।
जी, इस मामले में पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है विनीत? आपको बता दूं कि SHO योगेंद्र शर्मा ने कहा है कि मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जहां तक देखा जाए तो कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। और आपको बता दूं कि यही मामले जो 3-4 मामले राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, ये आगे चलकर राजनीति का भी मोड़ ले सकते हैं। जी, तो ये विनीत गैंग रेप का जो ये मामला सामने आया, क्या इससे पहले भी हाल ही के दिनों में कोई घटना और भी घटी है क्या? नहीं, इससे पहले मामला नहीं है, लेकिन अभी आपको बता दूं कि 3 मामले हो चुके हैं। एक लड़की को ऑन रोड भगाया गया था नंगे, उनको नंगे वस्त्र करके, और उसके बाद एक महिला को कुएं में लटकाया गया, और तीसरा मामला शराब पति के पति द्वारा शराब पीटकर उसको मारा गया, और चौथा मामला ये राजस्थान को देखने को मिला है। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि ये राजस्थान में बढ़ते क्राइम पर अगर शायद रोक लगे या न लगे, ये अभी कुछ कहना बाकी नहीं है। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़े हुए थे राजस्थान से। तो ये मामला सामने आया है जहां कक्षा 9 की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हादसे से परेशान किशोरी ने अपने घर पहुंचते ही आत्महत्या कर ली। राजस्थान में चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा 4 दिशाओं से 4 परिवर्तन यात्राएं निकाल रही हैं। ये यात्राएं 9000 किलोमीटर का सफर करेगी। यात्राओं में स्थान और प्रचारकों के चेहरे पर खास ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा ने त्रिनेत्र मंदिर से पहली यात्रा शुरू कर हिंदुत्व के एजेंडे को साधा है, तो वहीं दूसरी यात्रा आदिवासी बाहुल्य वाले बेड़ेश्वर धाम से निकाली गई। तो चुनावी सरगर्मी राजस्थान में तेज है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यात्राएं निकाली जा रही है, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। चारों दिशाओं से बीजेपी राजस्थान को कवर करने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा लेकर और दोनों मंदिरों से बीजेपी ने यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी है, चारों दिशाओं को कवर कर रही है, क्या क्या कार्यक्रम इसके और होने वाले हैं आने वाले दिनों में? आपको बता दूं कि ये यात्रा जो निकाली जा रही है वो कई राज्यों कई जगहों से निकाली जा रही है। जैसे मंदिर वगैरह है वहां से रामदेवा देवरा से शुरू हुई है, पश्चिमी राजस्थान की तरफ निकली है। वहां की जो सीटें 51 सीट विधानसभा की हैं उनको भी अपने साइड में करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आगे भारी बहुमत से बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ा सके। कितना असर देखने को मिल रहा है इस परिवर्तन यात्रा का? क्या लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? अभी तो कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बीजेपी में टिकट मांगने के लिए कर रहे हैं वो अपना डांस पार्टियों द्वारा ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद बीजेपी अपना वहां पर एजेंडा अपना बढ़त बढ़ा सके वोटों की तरफ। आज के जमाने में जो आपको बता दूं कि जो बीजेपी की तरफ है लोग, वो बहुत कम विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ कागजों पर दिखता है, जमीन पर उनका कुछ नहीं दिखता है। जी, एक तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है और महागठबंधन का हिस्सा भी बन गई है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पकड़ अभी कमजोर नजर आ रही है राजस्थान में। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होगा? ये जिस तरह से अभी तक कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिलती थी, क्या कांग्रेस एक होके मजबूत होके चुनाव लड़ेगी या फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो पाएगी? अभी तो हम आपको बता नहीं सकते सका, क्योंकि वहां पर जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी फिलहाल में मौजूद जो मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का जो गढ़ था वो पहले से ही कमजोर वहां दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी और अभी भी देखा जाएगा कि शायद कांग्रेस ही अपना वहां बढ़त बनाए। बीजेपी का हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव आने वाले चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा कि कांग्रेस वहां जीत पक्की कर रही है या बीजेपी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़े हुए थे। तो राजस्थान चुनाव की सरगर्मियां तेज है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत कर दी गई है, चारों दिशाओं से राजस्थान को कवर करा जा रहा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।